हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सिकुंदे में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंच सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे चैनल पर हिंदी शायद के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे क्रांतिकारी के बारे में जिसने अपने जीवन को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ भगवती चरण बोहरा के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ कहन कहे पलों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवती चरण बोहरा का जन्म 4 जुलाई 1904 को लाहौर में हुआ था, पर बड़े होने पर वे पंजाब में आकर रहने लगे थे। बोहरा संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे, यही कारण है कि वे भगवती चरण बोहरा के नाम से संबोधित किए जाते थे। भगवती चरण की शिक्षा दीक्षा और लाहौर में हुई थी। वे प्रकृति से विप्लवी थे, नियमों को तोड़कर चलने वाले थे। अतः विद्यार्थी अवस्था में ही क्रांतिकारियों में सम्मिलित होकर देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने लगे थे। आइए दोस्तों आपको बताता चलूं कि विद्यार्थी अवस्था में ही भगवती चरण का विवाह हो गया था। उनके पत्नी का नाम दुर्गा बोहरा था। दुर्गा के पिता एक सन्यासी थे। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भगवती चरण के साथ ये समझकर किया कि उनकी पुत्री उनके साथ सुख से रहेगी, पर जब उन्हें अज्ञात हुआ कि भगवती चरण का साथ क्रांतिकारियों का है तो वह बहुत दुखी थे। पर स्वयं दुर्गा जी को इस बात से रंच मात्र भी दुख नहीं था। दुख के स्थान पर उन्हें अभिमान था क्योंकि उनके हृदय में भी देश के प्रति प्रगाढ़ भक्ति थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि भगवती चरण ने बड़ी अनन्यता के साथ अपने क्रांतिकारी पति का साथ दिया। एक समय था जब उनका घर क्रांतिकारियों का अड्डा बना रहा। वे क्रांतिकारियों में दुर्गा भाभी के नाम से जानी जाती थी। भगवती चरण ने पढ़ना छोड़ने के पश्चात देश के काम के अतिरिक्त और कोई काम नहीं किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में क्रांतिकारी दल का संगठन बड़े उत्साह और बड़ी लगन के साथ किया था। वे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी के दाएं हाथ थे। इसी के साथ आइए दोस्तों आपको बताता चलूं कि भगवती चरण ने अपने प्राणों की चिंता ना करके क्रांतिकारियों के लिए अपना घर खोल रखा था। कोई भी क्रांतिकारी किसी भी समय उनके घर में जा सकता था, रोटी खा सकता था और विश्राम कर सकता था। क्रांतिकारियों की बैठक भी प्रायः उन्हीं के घर में हुआ करती थी। आइए आपको बताना चाहूंगा कि क्रांतिकारियों के लिए अर्थ का प्रबंध वे ही किया करते थे। 1928 ईस्वी में भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। कांग्रेस के नियमानुसार सारे देश में कमीशन का बहिष्कार किया गया। अक्टूबर में जब कमीशन लाहौर गया तो वहां भी उसके बहिष्कार के लिए एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया था। पुलिस का नेतृत्व लाला लाजपत राय जी ने किया था। जुलूस जब लाहौर स्टेशन पर पहुंचा तो उस पर घोड़े तो दौड़ाए ही गए, लाठियों की वर्षा भी की गई। लाठी की चोट लाला जी को भी लगी, फलस्वरूप उनका स्वर्गवास हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं लाला जी के स्वर्ग गमन में सारे देश में शोक का सागर उमड़ पड़ा। जहां शोक का सागर उमड़ा वहीं असंतोष की आग जल उठी क्योंकि उनकी मृत्यु लाठियों की चोट से हुई थी। क्रांतिकारियों का मन विक्षुब्ध हो उठा था। उन्होंने उस अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर सैंडर्स को मार डालने की प्रतिज्ञा की जिसके संकेत पर लाला जी पर लाठी चलाई गई थी। क्रांतिकारियों ने सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई। दोस्तों आपको बताता चलूं, आखिर 16 दिसंबर एकदम संध्या समय 4 और 5 के बीच में सैंडर्स की हत्या कर दी गई। उसकी हत्या करने के में भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद का हाथ था। हत्या के पश्चात बड़े जोरों के साथ इन तीनों की गिरफ्तारी के लिए प्रयत्न किया जाने लगा, परंतु अधिक प्रयत्न करने पर भी तीनों क्रांतिकारियों में से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। दोस्तों भगवती चरण, दुर्गा भाभी और भगत सिंह एवं राजगुरु ने मिलकर लाहौर निकल जाने की एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार भगत सिंह एक अमेरिकी साहब के बेस में अपनी पत्नी और अर्दली के साथ रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठकर लाहौर से कलकत्ता चले गए। दुर्गा भाभी ने अमेरिकन साहब की पत्नी और राजगुरु ने अर्दली का बेस धारण किया। आजाद भी उसी गाड़ी से साधु के बेस में लाहौर से बाहर चले गए। कहा जाता है कि मार्ग में किसी स्टेशन पर भगवती चरण ने अमेरिकन बेसधारी भगत सिंह के डिब्बे के पास खड़े होकर अपनी पत्नी दुर्गा से कहा था, वास्तविक रूप में आज नहीं तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ है। सैंडर्स की हत्या के बाद जब जोरों से गिरफ्तारी होने लगी तो भगवती चरण और दुर्गा दोनों अदृश्य हो गए। दुर्गा तो अमेरिकन स्त्री के बेस में भगत सिंह के साथ कलकत्ते चली गई और भगवती चरण उत्तर प्रदेश की ओर चले गए थे।
घटनाओं से पता चलता है कि दुर्गा और राजगुरु कलकत्ते नहीं किया थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि कलकत्ते अकेले भगत सिंह ही गए थे। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, पूरे 1.5 वर्ष तक भगत सिंह फरारी की स्थिति में इधर उधर घूमते रहे। वे कहां कहां गए थे और क्या करते रहे, इस संबंध में आज तक भी कुछ पता नहीं चल सका। बस केवल इतना ही कहा जा सकता है कि 1.5 वर्ष तक वे प्राय अदृश्य ही रहे। उधर भगत सिंह पहले तो कलकत्ता गए और फिर आगरे चले गए। आगरे में उन्होंने अपने साथियों से मिलकर दिल्ली के केंद्रीय असेंबली हाल में बम विस्फोट करने की योजना बनाई। भगत सिंह और दत्त की योजना के अनुसार 1929 के जून मास में दिल्ली में केंद्रीय असेंबली हाल में विस्फोट किया गया, जिसके फलस्वरूप भगत सिंह दत्त को गिरफ्तार करके लाहौर जेल पहुंचाया गया। दोस्तों इसी के तहत आपको बताता चलूं कि भगवती चरण बम एम्पायर की ओर बढ़ाए, उसके पूर्व ही बम फट गया। जी हां दोस्तों, आपको बताता चलूं इसकी पूरी कहानी। तो दोस्तों योजना अच्छी तरह से तैयार हो गई, तो निश्चय किया गया कि बम का विस्फोट करने से पूर्व उसका परीक्षण कर लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि समय पर विस्फोट ना हो और सारी योजना विफल हो जाए। कि 28 मई 1930 को भगवती चरण और आजाद बम का परीक्षण करने रावी नदी के तट पर निर्जन स्थान पर गए। आजाद तो कुछ दूर बैठे रहे, पर भगवती चरण हाथ में बम लेकर उसका परीक्षण करने लगे। उन्होंने कहा, कैप कुछ ढीली लग रही है। बैसम्पायन बोल उठे, लाओ मैं जरा देख लूं। पर भगवती चरण बम बैसम्पायन की ओर बढ़ाए, उसके पूर्व भी बम फट गया। बड़े जोर से धमाका हुआ, भगवती चरण के दोनों हाथ कट गए और सारी छत बिछत हो गया। जी हाँ दोस्तों, शरीर तो बैसम्पायन और आजाद वहां ठहर नहीं सके, क्योंकि धमाके से पुलिस के आने का डर था। उन्होंने दुर्गा भाभी के पास जाकर इस दुखद घटना का समाचार सुनाया। वे ना तो रावी के तट पर अपने मृत पति के शव के पास जा सकी और ना अच्छी तरह रोकर अपने हृदय के दुख को ही कुछ कम कर सकी। तो दोस्तों आपको बताता चलूं, ऐसे हुई एक क्रांतिकारी की मौत दोस्तों, जो आज देश में भगवती चरण बोरा के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, कैसे लगी आपको स्टोरी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लेके बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।